हे फूडीज, तो आज मैं लेके आई हूँ मदर रेसिपी की भेलपुरी चटनी। आज हम इसका रिव्यू करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी पैकेजिंग की। ये बहुत ही अट्रैक्टिव पैकेजिंग में आपको मिलती है, आप देख सकते हो। ये ट्यूब फॉर्म में आपको मिलती है और पर्पल कलर का इसका पैकेट है, येल्लो इसकी कैप है। और इसका जो प्राइस है 55 रुपीज है। और 200 ग्राम आपको इसमें प्रोडक्ट मिलता है, भेलपुरी चटनी है। आप इसको जो है घर में समोसा कचौरी या फिर भेलपुरी आप बनाते हो उसमें आप स्पेशली यूज कर सकते हो, लेकिन आप भेलपुरी के अलावा भी बहुत सारी चीजों के साथ इसका यूज कर सकते हो। इसमें भेलपुरी की रेसिपी आपको दी गई है कि आप किस तरह से इसे भेलपुरी जब आप बनाते हो, जैसे कि पफ राइस हो गया, चॉप्ड अनियन टोमेटो, बॉइल्ड टोमेटो, पीनट्स, और साथ में मदर रेसिपी की भेलपुरी आप चटनी ऐड कीजिए। मतलब रेसिपी दी गई है भेलपुरी कि यहाँ पे, तो आप यहाँ से जो है फॉलो करके रेसिपी बना सकते हो और इसका यूज कर सकते हो। इसको यूज करने से पहले आप अच्छे से इसको शेक करिए, यानी अच्छे से इसको हिलाइए, उसके बाद इसका यूज कीजिए। और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है, यानी इसमें जो यूज किया गया है सामग्री, वो है वाटर, शुगर, जैगरी, टैमरिन, डेट्स, मिंट लीव्स, कोरिएंडर लीव्स, ग्रीन चिली, आयोडाइज सॉल्ट, मिक्स स्पाइसेस, जिंजर, एसिडिटी रेगुलेटर्स एंड स्टेबिलाइजर एंड प्रिजर्वेटिव्स। ओके, और ये जो प्रोडक्ट है ये 1 साल की शेल्फ लाइफ के साथ आता है और स्टोर इन अ कूल ड्राई एंड हाइजीनिक प्लेस, रेफ्रिजरेट आफ्टर, जब आप इसको ओपन कर लेते हो उसके बाद आपको इसको जो है रेफ्रिजरेट यानी कि फ्रिज में रखना होता है, अदरवाइज ये खराब हो सकती है। यहाँ पे इसकी न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन दी गई है, साथ ही आप इसके दूसरे वेरिएंट ट्राई कर सकते हो जो कि है टैमरिन डेट चटनी, समोसा चटनी, रेड चिली गार्लिक चटनी एंड दिल्ली चाट चटनी। तो ये इसकी और वेरियंट है, और भी मतलब दूसरे जो इसी में आते हैं आप वो भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन मैं इसका यूज जो है समोसा कचौरी भेलपुरी में तो करती हूँ, लेकिन समोसे के साथ खाने में कचौरी या फिर अगर आप ब्रेड में थोड़ा सा लगा के सैंडविच टाइप में भी यूज कर सकते हो इसको, तो बहुत टेस्टी लगती है। तो मतलब आपकी खुद की क्रिएटिविटी, आप कैसे आप इसका यूज कर सकते हो, लेकिन स्पेशली भेलपुरी के लिए, मतलब इन्होंने भेलपुरी चटनी दिया है तो ये भेलपुरी के लिए इन्होंने बोला है, लेकिन आप खुद भी और चीजों के साथ इसका यूज कर सकते हो, खाने में काफी टेस्टी है। तो चलिए मैं इसका टेक्स्चर आपको बता देती हूँ कैसा है ये। जैसे सौंठ होती है ये उस टाइप में मतलब है, आप देख सकते हो टेक्सचर इसका। इमली की जो कोई भी चटनी, इमली की ले लो, इमली की चटनी हम घर में बनाते हैं वैसा ही सेम है, और खाने में बहुत टेस्टी है ये। बहुत ज्यादा स्पाइसी नहीं है, बहुत ज्यादा फीकी भी नहीं है, तो आप इसको आराम से अपने जो है भेलपुरी के साथ या फिर समोसा कचौरी के साथ खा सकते हो। कई बार होता है ना कि घर में हमारा मन नहीं करता चटनी बनाने का, और घर में जैसे समोसे बनाते हैं हम, कचौड़ी बनाते हैं, तो उसके साथ आप इसका यूज कर सकते हो। कई गृहणियां होती है कि जल्दी में है तो आप इसका यूज कर सकते हो, मतलब जिन लोगों को चटनी बनानी भी नहीं आती है वहां पे भी आप इसका यूज कर सकते हो। तो ये थी इस वीडियो में, मैंने जो है मदर रेसिपी की इस चटनी का रिव्यू किया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा।